फुली डिजिटल आपको मीटर मिलेगा और एक मतलब बढ़िया डिजिटली स्क्रीन के साथ, और इसका प्राइस वगैरह भी हम बात करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है इसे परचेज करने के लिए वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो तो ये दोस्तों आप पूरी साइड लुक देख सकते हैं बाइक की, और चाबी जहाँ की लोकेशन का लोकेशन है ये दोस्तों, यहाँ की लगने की ये जिस लोकेशन है चीज़ देख रहे हो आप, और ये है इसको ऑपरेट करने के लिए। ट्रिप आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप इसमें टाइम वगैरह सेटअप कर सकते हैं। सी टाइप भी यूएसबी और मिल एक रहा है, सी टाइप दोनों आपको चार्जिंग पॉइंट मिल तो जाएंगे साइड लगे हुए। एडजस्टेबल है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आप इसको पीछे की तरफ भी पुश कर सकते हैं, यहाँ पे एक बोल्ट होता है इनबिल्ट। ठीक है जी, नमस्कार भाइयों, क्या हाल है? आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, वीडियो लेके आए हैं। यहाँ आप सामने खड़ी हुई बाइक देख पा रहे हैं, जावा की बबर 42। तो इसकी आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी विद प्राइस के साथ, फुल फ्यूचर एंड प्राइस, ऑल टोटल जो भी डिटेल है जानकारी आपको सारी इसके बारे में दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, किसी भी तरह की अगर जानकारी छूटती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हमें किसी भी तरह जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ जो मेन हमें इस बाइक की पूरी जानकारी देने वाले हैं आज, ये इस बाइक के फ्यूचर प्राइस सब कुछ डिटेल। तो नमस्कार सोनू भाई, क्या हाल है बढ़िया आपके? बढ़िया, आप बताइए भाजी। ये बढ़िया सर, आप आज हमें इस बाइक के बारे में हमारे व्यूवर को पूरी जानकारी दीजिए, तो क्योंकि ये एक नया फेसलिफ्ट है, नई बाइक है जावा की, तो काफ़ी सर्चिंग में भी होगी, तो इसके बारे में आज हमें पूरी जानकारी दीजिए विद प्राइस सहित, और क्या क्या इसमें खास दिया जावा ने, मतलब पहले से जो पहले वाली बाइकों में कुछ कमी अगर रह गई तो इसमें पूरी की है, इसमें क्या एक्स्ट्रा दिया वो सारी चीज़ें हमें बताइए। हमें सबसे बिल्कुल पहले तो हमें इस बाइक के थोड़े इंजन से शुरुआत करते हैं, इंजन के बारे में हम पूछना चाहूँगा, तो इंजन से शुरुआत करिए, इंजन से बताइए हमें क्या खास है इसमें, तो आइए फिर कितने आपको सीसी का बताते हैं इंजन अपना मिल इंजन। जाएगा, कैपेसिटी कितनी मिल जाएगी, टॉर्क पावर कितनी मिल जाएगी, ये ये देखिए सब आप, ये बताइए। जो इंजन आप देख रहे हो ये 334 cc का इंजन आता है इसमें। ये ठीक है जी, 34 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, आप देख पा रहे होंगे। ये आपको लिक्विड कूल्ड रेडिएटर मिलता है जो कि फोर व्हीलर की टेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो जावा कंपनी की इस मोटरसाइकिल ने अपनी इस मोटरसाइकिल में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, इससे गाड़ी की पावर और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर हो ठीक जाती है है। जी, इसके अगर मैक्स टॉर्क की बात करें तो वो कितनी टॉर्क मिल जाएगी? इसका 32 पॉइंट कुछ NM का टॉर्क उस प्रोवाइड करती है मोटरसाइकिल, और जो इसकी पावर ऑफ डिलीवरी है मोटरसाइकिल आपको 29.7 PS की पावर प्रोवाइड कर देती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आपको इंजन मिलता है। अच्छा बाकी जी, ड्यूल चैनल ABS इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। बाकी फ्यूल टैंक की हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक आ जाता है, और आप देख पा रहे होंगे ये जो कलर है इस कलर का नाम है 42 42 बॉबर मेजिस्टिक कॉपर, कॉपर कलर आता है। इसमें 3 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ठीक है जी, कलर कलर वेरिएंट हमें कौन कौन से मिल जाएंगे, कौन इसमें कौन आपको से पाजी कलर होंगे? 3 कलर ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। पहले जो आप सामने अभी देख रहे हैं ये आपका मेजिस्टिक कॉपर है, देन एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है मोटरसाइकिल वो आपकी है जैस्पर रेड, डबल टोन में मिलती है, एक ठीक है मोनोस्टोन वाइट मिलती है। तो 3 कलर ऑप्शन आपको इसमें मिलने वाले हैं। बाकी मोटरसाइकिल ओवरऑल आपने देख ही ली है कि एक अलग तरीके की मोटरसाइकिल हाँ है, जी। प्रॉपर एग्जॉस्ट की कैटेगरी बात की। करें इसमें एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट इसके डुअल एग्जॉस्ट आते हैं। ठीक है जी, मतलब जावा की सभी गाड़ियों में हाँ, ड्यूल एग्जॉस्ट जावा आते हैं, की सारी मोटरसाइकिलों में और आपको इसमें लिक्विड इसका एग्जॉस्ट भी जैसे देखने में काफ़ी खास लग रहा है, मतलब जैसे पुरानी जैसे जावा की बाइकें थी अगर जो वेरिएंट थे इनके, तो काफ़ी अट्रैक्टिव था, मतलब एक रोड की तरह जो इसका जो जो लुक दी हुई है एग्जॉस्ट की दोनों तरफ से, तो कंपनी ने काफ़ी इसमें अलग छोटी तरीके की है। छोटी छोटी चीज़ें कंपनी ने इसमें ऐड ऑन करके गाड़ी को एक प्रीमियम बना दिया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको जावा की ये बैचिंग दिख रही होगी हाँ आईपैड जी, से, में इससे हाँ जी, हाँ गाड़ी को जी, प्रीमियमनेस मिल रही है, और एग्जॉस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्रोम का यूज़ किया है जो कि काफ़ी हाँ हद जी, तक अच्छी लग यहाँ रही पे है। जैसे जावा की बैचिंग जैसे हाँ ब्रांडिंग दे दी है, और क्रोम दे दिया है एग्जॉस्ट में जो कि जी कॉम्बिनेशन भी अच्छा मिल रहा है और देखने में भी हाँ बेटर जी, लग हाँ रहा जी, है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें गाड़ियों को प्रीमियमनेस बनाती हैं। ठीक बाकी ठीक कंपनी पूरी मोटरसाइकिल ओवरऑल आपकी LED सेटअप के साथ आती है, डिजिटल इसकी हेडलैम्प होती है और LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, मीटर इसका डिजिटल है, सारी चीज़ें इसमें कंपनी ठीक ने है, ऐड तो ऑन कर रखी है। सारी चीज़ें हमारे व्यूवर को एक एक बार करके दिखाएंगे। पहले मैं दोस्तों आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस बता दूं, थोड़ी डिमेंशन बता दूं। व्हील बेस इसमें आपको मिल जाएगा 1485 mm का व्हील बेस मिल जाएगा, उस व्हील से इस व्हील तक की लंबाई जैसे गैप कह सकते हैं दोनों का, और इसमें सीट हाइट बता दें 340 mm की जो सीट हाइट मिल जाएगी, ज़मीन से जो सीट हाइट इनकी नापी जाती है। तो वेट की बात करें तो 175 से 80 किलो के आसपास इसका आपको वेट मिल जाएगा पूरी बाइक का। तो आगे दोस्तों इसके जो
हम जैसे बात कर लेते हैं टायर वगैरह की, सुनो भाई हम बात कर लें, टायर हमें क्या क्या साइज के मिल जाएंगे? टायर इसके साइज के ही होते हैं, कितना चल रहा है इसमें ये दिखाया, देखो 190 18। ये देखिए दोस्तों आपको जो टायर साइज फ्रंट वाला मिल जाएगा, 18 इंची का टायर दोस्तों मिल जाएगा इसमें 56 H का। तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ ब्रांडिंग दी हुई है। और पीछे वाला टायर हमें इसमें मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं 17 इंची का टायर मिल जाएगा हाइट के अकॉर्डिंग, बाकी 140x70। तो इसमें 66 H जो चौड़ाई इसकी होगी आप देख सकते हैं, यहाँ लुक भी देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा टायर है। तो दोस्तों बाकी टायर और ब्रेक सिस्टम की बात करें, सुनो भाई ब्रेक सिस्टम में ब्रेक आते हैं जो कि बहुत बढ़िया ब्रेक की क्वालिटी है हमारी इस मोटरसाइकिल की। ब्रेक का तो मैं फ़ैन हूँ भैया, आपने भी चलाई होगी कभी, हाँ तो आपको भी पता होगा भाई ब्रेक की एक ब्रांड। हाँ जी बैब्रेक की एक ब्रेकिंग सिस्टम है जो डिस्क ब्रेक में ब्रांडिंग, ये काफ़ी एक तगड़ी कंपनी है, मतलब जानी मानी कंपनी है। तो इसमें आप डिस्क ब्रेक भी देख सकते हैं, दोनों साइड डिस्क ब्रेक भी, मतलब हैवी क्वालिटी की डिस्क ब्रेक आपको ऊपर ही बाहर ही देखने मिल जाएगी। तो इसकी आगे की हम जैसे लुक वाइज जानकारी हमारी व्यूवर्स को दिखाएं, जैसे मीटर वगैरह कुछ एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आई हैं, और स्टार्ट करके वॉइस वगैरह सुनाएं। तो ये देखिए दोस्तों क्रोम की एक ब्रांडिंग, ऐसे जो जो टैंक का ढक्कन है, फ्यूल टैंक का ढक्कन है। ये फ्यूल टैंक कितने लीटर का बताया सुनो भाई आपने? 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक होता है। ठीक है, 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। और इसमें अगर जैसे बात करें एवरेज की, माइलेज की कितनी एवरेज तक? एवरेज सर आपको 35+ ही देगी। अच्छा ये 35+ ही एवरेज सिटी में आपको 35+ आपको फुली डिजिटल ये देख सकते हैं आप दोस्तों, फुली डिजिटल आपको मीटर मिलेगा और एक मतलब बढ़िया डिजिटल ही स्क्रीन के साथ। ये आप देख पा रहे हैं आपको मीटर वाइज यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर भी, न्यूट्रल वगैरह जैसे गियर इंडिकेटर भी, और ABS जैसे हो गया। ये देखिए दोस्तों मतलब हीटिंग का भी दिया हुआ, बैटरी का भी दिया हुआ, ABS इंजन वगैरह का भी दिया। और यहाँ पे आपको एनालॉग मीटर आपकी जो रीडिंग चलेगी, यहाँ पे ट्रिप भी दी हुई है, दो ट्रिप ए बी आती होंगी ना, ए बी दो ट्रिप आती हैं। और टाइमिंग के साथ में दिया हुआ, वॉच टाइम दिया हुआ, और फ्यूल का भी यहाँ पे दिया हुआ इंडिकेटर, मतलब हाई लो का कितना बचा टैंक में। जैसे फोर व्हीलर में आपने देखा होगा गाड़ियों में टावर वाइज दिखाता, उस तरह आपको इसमें सारी डिटेल बताई जाएगी। इंजन ऑन ऑफ के लिए ये है, बाकी ये सिस्टम पूरा समझाइए सुनो भाई। ये जो चीज़ देख रहे हो अभी है, इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रिप आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप इसमें टाइम वगैरह सेटअप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसको ऑपरेट करने के लिए है। बाकी इसमें चार्जिंग पॉइंट कंपनी ने बिल्ड दे रखा है, चार्जिंग पॉइंट स्टैंडर्ड है दोस्तों, एक USB और एक सी टाइप, दोनों आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे इसमें साथ में, और कवर मिल जाएंगे जैसे पानी वगैरह, जैसे बारिश वगैरह वाटर प्रूफ है। हाँ विद वाटर प्रूफ मिलेंगे, कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आने वाली आपको फ्यूचर में। और बाकी हैजार्ड वगैरह कंपनी ने इसमें चारों इंडिकेटर देख सकते हैं आप, एक साथ जलेंगे, पार्किंग में कोई इशू नहीं आने वाला है। बाकी हेडलाइट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, हेडलाइट में बैचिंग भी दी हुई है 42 की, जैसे ही बाइक का मॉडल है, वेरिएंट है ए बबर 42, तो उसकी ब्रांडिंग दी हुई है, जावा का लोगो दिया हुआ साथ में। और यहाँ से आप पूरी फ्रंट लुक देख सकते हैं बाइक की, और यहाँ से दोस्तों आप पूरी साइड लुक देख सकते हैं बाइक की। और चाबी जहाँ की लगने का लोकेशन है, ये दोस्तों यहाँ की लगने की लोकेशन है। और अब इस आपको हम इसकी आवाज़ वगैरह भी सुनाते हैं, और इसका प्राइस वगैरह भी हम बात करते हैं, और क्या रिक्वायरमेंट है इसे परचेज़ करने के लिए वो भी आप लोगों को बताते हैं। एक सीट की उससे पहले आपको बता दें, सीट और सस्पेंशन की बात कर लें सुनो भाई, सस्पेंशन इसमें कौन सी क्वालिटी है, कहाँ कहाँ लोकेशन पे, जैसे सीट वगैरह इसमें सिंगल सीट देती है, मोनोशॉक शॉकर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, सस्पेंशन देखिए मोनोशॉक शॉकर आपको सीट के बिल्कुल नीचे दिए जाएंगे, टेपर साइड पर एडजस्टेबल है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आप इसको पीछे की तरफ भी पुश कर सकते हैं, यहाँ पे एक बोल्ट होता है इनबिल्ट। ठीक है जी, सीट जो है हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एक मतलब शू टाइप का लगा होता है, जैसे नट बोल्ट कह देते हैं हिंदी में, वहाँ से हम ढीला करके आगे पीछे इसको कर सकते हैं सीट को किसी भी समय, अगर हमें किस हिसाब की रिकॉर्डिंग है, मतलब रिक्वायरमेंट है। तो और सोनू भाई इसमें एक्स्ट्रा कुछ फ्यूचर जो बाकी मतलब आपके हिसाब से बढ़िया मोटरसाइकिल इसको देती है सिंगल सीट में, इसमें आप डबल सीट अगर लगाना चाहते हैं मतलब इसमें ऐसी फील है जैसे बाइक को, पहली बात तो बाइक को दूर से ही देखने में ऐसा लगता है इसकी मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी है। हाँ, हार्ले डेविडसन की एक तरह की मतलब ट्रायम्फ, हाँ जी एक तरह की मतलब लालो भी हार्ले डेविडसन ही हमें मतलब कम प्राइस में आ गई है ऐसी बाइक जैसे हमने। बाकी मैं इसको आपको ना साउंड नोट सुना देता हूँ। हाँ जी साउंड वगैरह सुनाइए एक बार, आवाज वगैरह सुनाइए।
ये दोस्त देख पा रहे हैं आपने एग्जॉस्ट की साउंड वगैरह, इंजन वगैरह की साउंड आपने सुनी है, और कलर वेरिएंट भी जो जो इसमें आते हैं उसकी भी मैं आपको वीडियो में जो है, इसके अलावा जो वीडियो में है तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। तो अब इसकी दोस्तों हम इसके जो है मेन प्राइस वगैरह की बात कर लेंगे, कितने में हमें ये पड़ जाएगा और क्या कॉस्ट इसकी पड़ जाएगी, और लेने में मतलब किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इसकी सारी जानकारी तो तकरीबन आपको दे ही दी गई है। प्राइस की बात कर लें, इसमें प्राइस आपको बता दें, तीन मॉडल आपको मिल जाएंगे, दो से तीन मॉडल जैसे अलग अलग मॉडल मिल जाएंगे, मॉडल के बीच में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। प्राइस रेंज की आपको बात कर लें, ये आपको 250,000 के आसपास से लेके 250,000 से आसपास लेके 260,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगी ये जितने भी इसके मॉडल हैं, वेरिएंट हैं। जैसे 250,000 की ये आपको स्टार्टिंग खड़ी हुई है, ये बाइक है 250,000 की आपको ऑन रोड मिल जाएगी ऑल टोटल कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ। तो इसके जो ऊपर वाले मॉडल हैं 255 260 मतलब 255 260 मतलब इस रेंज में आपको मिल जाएंगे फुली कंप्लीट डॉक्यूमेंट ऑन रोड पे। तो बाकी जो वीडियो को देख आएगा, जो वीडियो को देखने वाले जो हैं तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो यहाँ जो लोकेशन है मेन खटीमा टनकपुर रोड खटीमा, तो किसी भी समय मैं सोनू भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसी भी समय आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, ये अगर टेस्ट ड्राइव वगैरह लेनी है तो किसी भी समय आप इनके पास आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए देखते हैं, वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको वीडियो पे किसी नेक्स्ट वीडियो में।